थप्पड़ भी मारते थे, लाठी भी मारते थे, ये हाँ हाँ अच्छा, सब पैर में चोट लगी है। अच्छा, आँखों के नीचे जो निशान बने ये कहे के? ये मारा है। तो उन्होंने कहे से मारा था? ये लाठी थे, थप्पड़ थे, डंडा थे। नहीं तो आँखों में लाठी से मारा? हाँ, कस कस के लाठी से मारा, यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा। बुजुर्ग महिला बता रही है कि उसे कैसे पीटा जाता था, और ये पिटाई किसी दबंग या कोई बदमाश ने नहीं बल्कि खुद पुलिस वाले करते थे। बिल्कुल ठीक सुना आपने, बुजुर्ग महिला ने पुलिस वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। दरअसल कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में 14 फरवरी को एक बुजुर्ग महिला मधु कपूर की घर में हत्या हो गई थी। हथियारों ने उसके घर में लूटपाट भी की और साथ ही नौकरानी सावित्री को बाथरूम में बंद कर दिया था। फरवरी से शुरू हुई पुलिस की जांच, लेकिन हत्यारे अभी भी फरार हैं। आरोप के मुताबिक इसी हत्याकांड की जांच करने के लिए पुलिस अक्सर बुजुर्ग महिला सावित्री को थाने बुलाती रही और मारपीट भी करती रही। नवाबगंज थाने में ले गई, हाँ। दो ढाई घंटा रखा वहाँ, हाँ। फिर यहाँ निगम साहब की चौकी मिलाई, हाँ। 5-6 बजे हमको वहाँ रखा, वहाँ से हमको मारपीट शुरू कर दिया। ये पीटा किसने, किस किस कितने पुलिसकर्मियों ने आपको पीटा है? कितने पुलिसकर्मी थे? 10-12 और आठ पुलिस गाड़ी। अच्छा, हाँ। कैसे लगाया, कैसे कैसे मारते थे? अच्छा, कैसे मारते थे? थप्पड़ भी मारते थे, लाठी भी मारते थे, ये हाँ हाँ, ये सब पैर में चोट लगी है। अच्छा, आँखों के नीचे जो निशान बने ये कहे के? ये मारा है। तो उन्होंने कहे से मारा था? ये लाठी थे, थप्पड़ थे, डंडा थे। नहीं तो आँखों में लाठी से मारा? हाँ, कस कस के लाठी से मारा, यहाँ भी मारा। बुजुर्ग सावित्री ने आरोप लगाया है कि पुलिस चोरी करने की बात को कबूल करवाने के लिए दबाव बना रही थी और बात न मानने पर पुलिस वाले डंडों से पिटाई करते थे। वहीं पुलिस कर्मियों ने इलाज कराने के लिए 5,000 रुपए भी दिए और कहा कि अगर निशान देखकर कोई पूछे कि चोट कैसे लग गई तो बता देना कि ऑटो से गिर गई थी। क्यों मारते थे? क्यों? कह रहा कि झूठी बोल दे, जो नहीं है चोर उसका भी बोल दे, बोल मतलब जल्दी जल्दी। चोरी को बुलाने के लिए? चोरी को बुलाने के लिए। कितने बार ले जा चुके हैं और कितने बार मारा आपको? 3 महीने से बराबर ले जाते हैं। कौन सी पुलिस है ये? स्वरूप नगर की है। अच्छा अच्छा, अब 5,000 रुपया दिया और दवाई दिया। नहीं, पैसे किसने दिए? 5,000 दिए। किसने दिए? पुलिस ने दिया। कौन पुलिस ने, किसने दिया? यही सरम नगर वाली। क्या 5,000 रुपए? किस बात के? करे दवाई करवाओ। अच्छा, करे दवाई करवाओ, किसी से बताना नहीं, ये कह देना कि चोट लगी, ऑटो से गिर बैठी। बात सिर्फ बुजुर्ग महिला की नहीं है, सावित्री की बेटी के साथ भी पुलिस कर्मियों ने मारपीट की। बेटी खुशी ने बताया कि पुलिस वाले कैसे उसके साथ मारपीट करते थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तू भी मिली हुई है, तू जानती है, चोरों को बता, नहीं तो तुझे जान से मरवा देंगे। बेटी खोलने आई, तो माँ को, बेटे दोनों को मारा? हाँ, इनको अलग मारा, मुझे अलग आती नहीं थी। तो अलग अलग थाने ले गए थे क्या? इनको मुझे वहाँ रखा था नवाबगंज चौकी में और इनको नगम निगम चौकी में रखा था। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि इस मामले में किसी ने शिकायत नहीं की है, लेकिन मीडिया से जानकारी मिलने के बाद अब इस केस की जांच की जाएगी। मधु कपूर नामक एक महिला की हत्या के संबंध में FIR रजिस्टर किया गया और अनावरण के संदर्भ में कुछ साक्ष्यों और संदिग्धों से पूछताछ की गई है। अभी कुछ पत्रकार मित्रों से ये समाचार मिला है कि पूछताछ के दौरान एक महिला से मारपीट की गई है। इस प्रकरण को संज्ञा में लेते हुए अगर पूछताछ के दौरान कहीं पर भी किसी से भी मारपीट की हो तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले की जानकारी नहीं थी और अब जानकारी हो गई है तो जांच की जाएगी। लेकिन जिस मर्डर केस की जांच के नाम पर एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटा जाता है, उस केस में भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ऐसे में मारपीट मामले में पुलिस क्या जांच करेगी और कब तक जांच करेगी, ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट।